सो हेलो एंड व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट हाई ग्राफिक्स डॉल्फिन इमुलेटर गेम्स, जिनको कि आप जो है एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले कर सकते हो। वीडियो में आपको जो है हाई ग्राफिक्स डॉल्फिन इमुलेटर गेम्स जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिनको कि आप जो है एंड्रॉइड डिवाइस में काफ़ी ईजिली और काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर पाओगे। गेम्स के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, गेम्स जो है आपको काफ़ी यूनिक और न्यू देखने को मिल जाती हैं, आप जो है जरूर से चेकआउट करना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो 10th नंबर पर जो गेम है उसका नाम है लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा द वाइंड वॉकर। 1.06 GB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी, जो है एक जर्नी देखने को मिल जाती है एक बॉय की। लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा की कोई स्टोरी अगर आपको पता होगी तो एक लिंक नाम का एक जो है बॉय होता है इसमें, और ये जो है आपको स्टार्टिंग की जो लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा की स्टार्टिंग स्टोरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको जो है एक आइलैंड देखने को मिल जाता है जहाँ पे लिंक का घर होता है, एक विलेज टाइप होता है जिसमें कि ये एक्सप्लोर करने को काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। और एक स्टोरी लाइन बेस्ड गेम है जिसमें आपको काफ़ी आइकॉनिक ग्राफिक सीन्स और काफ़ी अच्छी जो है स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है। तो इसमें एक स्टनिंग ओशंस का वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, काफ़ी एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अच्छे और एंगेजिंग से विजुअल देखने को मिल जाते हैं, स्विमिंग करने को देखने को मिल जाएगी, और भी कुछ चैलेंजेस हैं उसके जो लिंक है उसकी आपको ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी, फिर वो जो है अपने हॉर्स से कैसे मिलता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो है कोई न्यू स्टोरी लाइन बेस्ड गेम को ट्राई करना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए है। ये जो एक स्पेशल एडिशन है जो कि VI के लिए लॉन्च किया गया है सुपर मारियो का, ये जो है आपको 211 MB की देखने को मिल जाएगी गेम, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको दो ही करेक्टर्स होते हैं इसमें। ओके, एक अलग से स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है, और जो कि आपको ये रन बेस्ड गेम होने वाली है कि आपको चैलेंजेस काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। गेम प्ले के साथ भी आप आइडिया ले सकते हो, उसमें आपको ग्रीन और रेड कलर के जो है आपको करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, और साथ में आपको इसमें एनिमीज भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ पावर्स भी देखने को मिल जाते हैं आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाते हो, और साथ में कुछ इल्यूजन्स भी रहते हैं, थोड़े आपको पजल्स भी देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। तो आप चाहें तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो, पुरानी और यूनिक गेम ट्राई करना चाहते हो तो इस गेम को भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है 8th नंबर पर गेम, उसका नाम है मेट्रोइड प्राइम। 1.03 GB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पर्सन एडवेंचर गेम है जिसमें कि आपको पजल सॉल्विंग और एक्सप्लोर करने को काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, आपको स्पेस का एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है, एक एलियन टाइप आपका जो है रोबोटिक कैरेक्टर होता है, इसमें इंटेंस कॉम्बैट सीन्स और फाइट सीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गेम की आपको ग्राफिक्स भी स्टनिंग देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ में आपको इसमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है जो भी वर्ल्ड इसमें जो एक्सप्लोर किया हुआ है, और साथ में आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिल जाती है। तो आप जो है इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो, गेम आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सेवन नंबर पर जो गेम है उसका नाम है रेजिडेंट ईविल 4। 1.3 GB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी। अगर आप जो है VI में बेस्ट गेम को सर्च करोगे, अगर आप जो है डॉल्फिन इमुलेटर में बेस्ट गेम को सर्च करोगे या फिर PS2 में बेस्ट गेम को सर्च करोगे, आपको रेजिडेंट ईविल की गेम जरूर से देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी लगती है यार, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है ये गेम। मैंने अभी तक कभी भी कंप्लीट नहीं करी है, और स्टार्टिंग से ही खेलना मज़ा आता है, बट मैं कंप्लीट जरूर से करूँगा। होपफुली अगर मेरे पास कंसोल आ जाता है ना उसके बाद फिर से कंप्लीट करेंगे उस गेम को। अभी इसको साइड में करते हैं, और इनको आप जो गेम क्यूब के थ्रू अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले कर सकते हो डॉल्फिन इमुलेटर में। गेम में आपको जो है लियोन का कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि प्रेसिडेंट डॉटर होती है एशली, उसको बचाने के लिए एक जो है विलेज में जाता है, मिस्टीरियस सा विलेज होता है जिसमें काफ़ी डार्क सी लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी एक जो है डार्क सी स्कैरी सी वाइब आती है गेम में। इसमें जो है आपको काफ़ी फाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, आपको इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जाओ और खेलो, गेम काफ़ी अच्छी है, आप जो है गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर पाओगे। हाँ, गेम में जो आपको करेक्टर्स हैं वो आपको थोड़े से स्कैरी, अगर आप जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हो तो थोड़ी स्कैरी वाइब आ सकती है, बट गेम ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्जॉय कर पाओगे, और गेम में आपको ज़ॉम्बीज देखने को भी मिल जाते हैं, तो आप जो है गेम को फोड़ सकते हो। तो जाओ और इस गेम को चेकआउट करना, आपको जो है सर्वाइवल हॉरर गेम देखने को मिल जाएगी। 6th नंबर पर जो गेम है उसका नाम है सुपर स्मैश ब्रोस मिली। ये जो 972 MB आपको गेम देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको मारियो करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, पिकाचू देखने को मिल जाएगा, और भी काफ़ी आपको इसमें करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये जो है बेसिकली फाइटिंग गेम है जिसमें कि आपको 1v1 और 2v2 के थ्रू आपको जो है फाइट देखने को मिल जाएगी करेक्टर्स से, जिसमें कि आप रिपीट जनरेटर एनिमीज देखने को मिल जाते हैं। इस गेम को आप जो है मल्टीप्लेयर के थ्रू भी प्ले कर सकते हो, गेम काफ़ी अच्छी है, विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं और ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी भी गेम की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। फाइटिंग गेम्स को ट्राई करना चाहते हो
गेम आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है, इस गेम को जरूर से ट्राई करना। सो फिफ्थ नंबर पे जो गेम है उसका नाम है PES 2K13। अभी ये जो गेम है 2.42 GB की गेम देखने को मिल जाएगी आपको, प्रो एवोल्यूशन सॉकर की गेम देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपको 2012 के जो भी आपको करेक्टर्स हैं, जो भी अरीनाज है, जो भी आपको मॉडिफिकेशन है, वो सब कुछ देखने को मिल जाती है। हाँ गाइस, आप इस गेम को जो है एंड्रॉइड में प्ले कर सकते हो। इस गेम में आपको जो है काफ़ी हाई ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी आपको कंट्रोल्स में हार्ड लगेंगे, बट अगर आप जो है कस्टमाइज कर लेते हो कंट्रोल्स तो गेम आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। गेम का आपको ग्राफिक्स, विजुअल्स, अरीना सब कुछ एकदम ओके देखने को मिल जाता है। आप जो है चाहें इस गेम को जरूर से ट्राई कर सकते हो, गेम प्ले आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बाकी फुटबॉल के करेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, रोनाल्डो, मेसी आपको जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं। लीग टूर्नामेंट है वो भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी टूर्नामेंट ग्रुप स्टेज के जो मैच होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, तो इस गेम को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पर गेम, उसका नाम है F0ZX 1.12 GB की गेम देखने को मिल जाएगी। इस प्लेन रेसिंग गेम आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से रेस कर पाओगे, काफ़ी अच्छी जो है लंबी रेस और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल जाएंगे। 19 से 20 आपको जो है प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि रेस होती है, और ये जो है अरीना बेस्ड गेम आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैप्स और लोकेशंस होती हैं, और साथ में आपको क्राउड भी देखने को मिल जाएगा वहाँ का। और इस गेम को भी आप जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले कर पाओगे, गेम के विजुअल्स और जो है रेसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको हाईटेक रेसिंग मशीन्स भी देखने को मिल जाती हैं, जो है रेसिंग गेम्स को प्ले करना चाहते हो अपने डिवाइस में, तो इस गेम को भी आप जो है चेकआउट जरूर से कर सकते हो। नेक्स्ट जो गेम है थर्ड नंबर पे, उसका नाम है सोनिक कलर्स। 3.22 GB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी। जो स्टोरी है वो जो है मेन करेक्टर्स है सोनिक, उस पर बेस्ड है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ जो है इन्वेस्टिगेट करता है एक पार्क में। इसमें स्टोरी लाइन दिखाई गई है और जो कि जिसमें कि आपको एलियन क्रिएचर्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, और भी काफ़ी करेक्टर्स आपको इस गेम में देखने को मिल जाते हैं। करेक्टर्स है वो एक हाई स्पीड जो है परफॉर्म करता है, जिसमें आपको रनिंग से लेकर जंपिंग सब कुछ देखने को मिल जाता है, अटैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो सेकेंड नंबर पर जो गेम है उसका नाम है इंटरनल डार्कनेस। ये जो है 1.09 GB की गेम देखने को मिल जाएगी। होरिस्टिक और साइकोलॉजिकली स्टोरी लाइन बेस्ड गेम है, जिसमें कि आपको हॉरर आपको इसमें काफ़ी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको क्रिएचर्स डिफरेंट डिफरेंट से देखने को मिल जाएंगे। डार्क रूम से जो है गेम की शुरुआत होती है, उसमें जो आपको एक फीमेल करेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसके अराउंड ही जो है स्टोरी इन्वॉल्व होती है। स्टोरी लाइन इस गेम की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, फाइट्स देखने को मिल जाएंगी जो कि क्रिएचर्स होंगे उनके साथ, और एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस इस गेम में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि ग्राफिक्स भी गेम के काफ़ी अच्छे हैं। और वो जो है स्टार्टिंग में अपने ग्रैंडपा से कुछ जो है उसको लीक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिनको कि वो क्रैक करके फिर बाद में जो है सॉल्व करती है और पता लगाती है कि क्या हुआ था। तो एक जो सॉल्विंग सी गेम है, जिसमें आपको काफ़ी क्रिएचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर जो गेम है उसका नाम है द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ट्वाइलाइट प्रिंसेस। 1.07 GB की आपको गेम देखने को मिल जाएगी, हाई ग्राफिक्स गेम आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें भी सेम ही आपको ये जो है अगले पार्ट्स हैं, जो मैं आपको टेंथ नंबर पे जो गेम बताई थी वाइंड वॉकर से, ये उसके आगे के पार्ट्स हैं। करेक्टर देखने को मिल जाता है लिंक नाम का ही, जिसके कि आगे ये जो स्टोरी लाइन इन्वॉल्व होती है और जिस जर्नी को स्टार्ट करता है, जिसमें कि आपको काफ़ी जो एडवेंचर देखने को मिल जाता है, काफ़ी यूनिक से ग्राफिक्स, काफ़ी यूनिक से करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी एक जो है डीप स्टोरी लाइन इसको देखने को मिल जाती है। गेम में आपको काफ़ी इमर्सिव ग्राफिक्स एक्शन देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो गाइस, यही थी टॉप 10 बेस्ट हाई ग्राफिक्स डॉल्फिन मीटर गेम्स, जिनको कि आप जो है एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले कर सकते हो। गेम आपको जो है मैंने डिफरेंट डिफरेंट से बताई है, वो काफ़ी यूनिक बताई हैं। आपने कुछ गेम्स को ट्राई भी नहीं करी होंगी, तो अगर आपको गेम्स कुछ अच्छी लगी हैं तो आप जरूर से ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको बेस्ट गेम कौन सी लगी। साथ में गाइस, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। आज की वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 75 लाइक्स का। अगर आप जो है लाइक एम कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। सेकेंडली बात, इस पर मैं जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको जो है डिफरेंट गेम्स देखने को मिल जाएंगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है टॉप 10 डॉल्फिन मीटर गेम्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस, आई बटन पर लिंक आ रही होगी, और आप जो है चैनल पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में जो है गेम्स को चेकआउट करने के लिए आप जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके सिलेक्ट होगा नोटिफिकेशन,
जिससे जब भी मेरे को लेटेस्ट गेमिंग वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।